बिहार के सिवान जिले के एक ऐसे नेशनल प्लेयर्स की हम बात करने जा रहे हैं जो कई बार नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतने के साथ बिहार टीम का कप्तान भी रह चुका है। आज वो नेशनल खिलाड़ी ठेला पर फल बेचने को मजबूर है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि नेशनल फुटबॉलर संदीप कुमार छेत्री है। संदीप कुमार छेत्री सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कुम्हार टोली के रहने वाले हैं। उन्होंने 2009 में फुटबॉल खेलने की शुरुआत की। उस समय उनकी उम्र महज 11 वर्ष की थी। फुटबॉल के क्षेत्र में गोलकीपर के रूप में अपनी शुरुआत की। इस दौरान कई गेम को खेलते हुए आगे बढ़ते गए और कई मेडल और ट्रॉफी अपने नाम किए। हालांकि वे आज फल बेचने को मजबूर हैं। संदीप कुमार छेत्री बताते हैं कि उन्होंने 2009 में फुटबॉल की शुरुआत गोलकीपर के रूप में की। इस दौरान 12 से 15 नेशनल मैच खेले। वर्ष 2014 से 15 में बिहार अंडर 17 टीम के कप्तान रहे। खेल के क्षेत्र में 10 ट्रॉफी, दर्जनों मेडल, 4 बार राशि भी मिला। पिता की मौत हो गई जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद से हमने खेल को छोड़कर फल की दुकान चलाना शुरू कर दिया। आज के समय में पारिवारिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से खेल पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। पिता है ही नहीं, 7 लोगों का खर्च चलाना होता है, बहनें भी है, परेशान ज्यादा रहता हूँ। मैं फुटबॉल का शुरुआत 2009 में किया था और 2009 से अभी तक लगातार खेलता रहता हूँ। कौन कौन सा गेम अभी तक खेल चुके हैं? मैं सब जूनियर नेशनल, अंडर 17 नेशनल, अंडर 19 नेशनल, ये तीनों एज कैटेगरी का मैं खेल चुका हूँ। टोटल कितने गेम का अभी तक खेले होंगे? स्टेट और नेशनल मिला के लगभग 1 दर्जन के ऊपर मैंने खेल चुका है। सारण कमिश्नरी से, सिवान डिस्ट्रिक्ट से और पूरे बिहार वर्ग से मैंने खेला हुआ है और लगातार अपने समय में मैं खेला हूँ। कितना मेडल लगाया होंगे अब तक? मेडल तो 1 दर्जन से ऊपर में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल के लिए हम लोग जीते हैं। आप अंडर 17 का कप्तान भी रह चुके बिहार टीम का? हाँ, 2014-15 का सेशन था, हम लोग बिहार की टीम त्रिपुरा गई थी अंडर 17 स्कूल नेशनल खेले, जिसमें बिहार के कोच के द्वारा, मैनेजर के द्वारा मुझे कप्तान का कमान सौंपा गया था और बखूबी हम लोगों ने उसको निभाया और केरल और महाराष्ट्र जैसे बड़े टीमों को हम लोग टक्कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र को 1-0 से हम लोग हराए थे और केरल से हम लोग का मैच ड्रॉ रहा था, 2-2 का स्कोर था। आप कहाँ कहाँ जाकर जो गेम जो खेल चुके हैं? मैं अभी तक इंडिया का कोई कोना बाकी नहीं है, जैसे साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, चारों दिशाओं में मैंने फुटबॉल खेला है। कैसे आपके मन में आया कि फुटबॉल की तरफ जो रुझान मेरा जाना चाहिए? बहुत दिनों पहले हरिराम हाई स्कूल पे सुधीर जायसवाल नाम के एक व्यक्ति थे, वो फुटबॉल मैच कराया करते थे, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग लाइन पर बैठ के मैच देखते थे, तो उन लोगों को देखते थे कि क्या इज्जत है, खिलाड़ी को बहुत बड़ा इज्जत मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है खिलाड़ियों को, तो वही चीज़, वही भावना हम लोग के दिमाग में बैठी और तभी से हम लोगों ने फुटबॉल को खेलना शुरू किया और उसका परिणाम भी अच्छा रहा कि अच्छे अच्छे लोग हम लोग को जानते हैं, पहचानते हैं। देखा जा रहा है कि आप जो है नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, बावजूद आप फल बेचने को मजबूर हुए, क्या वजह रही कि ऐसा हुआ? एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पिताजी 15 जनवरी 2021 में विनोद तुरहा मेरे पिताजी हैं, वो 15 जनवरी 2021 को इस दुनिया से चल बसे, तो पिताजी का सारा कारोबार, सारा भार मुझे मेरे ऊपर पड़ गया, तो परिवार को भी लेकर चलना जरूरी है, इसलिए मैंने फुटबॉल को भी खेलता हूँ, अपना दुकान भी चलाता हूँ, फल बेचता हूँ और परिवार को भी चलाता हूँ, साथ साथ समाज में भी जो लोग हैं अच्छे बुरे, उन लोगों का भी मैं ध्यान रखता हूँ, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।